वेलकम बैक टू अवर रिडेम्पशन टीम डे ऑफिशियल माउंट एवरी। तो गाइस तो बॉसेस के साथ हम दोबारा से आ चुके हैं एंड आज जो दो टीमें भरने वाले गाइस उनमें से एक टीम होने वाली है फैम क्लस्टर की टीम, जिनकी तरफ से गोब्लिन पतलू ऋषभ एंड मैनमैक्स आ चुके हैं। दूसरी तरफ है गाइस टीम डी लाइनअप की बात करें तो 27 गाइस लवर होने वाले हैं फ्रैंक एलन एंड जी आइकॉनिक भाई आज इनका साथ देने वाले काफी उमदा गाइस खिलाड़ी हैं। जी फ्रैंक ने तो आते ही लंका दहन कर दिया पे भाई, जिस तरीके से मुकाबला ये प्लेयर करता हुआ नजर आ रहा है एक और प्लेयर को डाउन लेके जाएगा। अकेले प्लेयर गाइस बचे हुए हैं, अलन काफी तेज से मेरे को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, शायद ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। फ्रैंक की तरफ से पहले राउंड में गाइस डबल किल एंड एक उमदा मुकाबला स्टार्ट हो चुका है गाइस, देखना होगा क्या कमाल यहां पे फैमिली सब फैम मैडमैक्स यहाँ पे करने वाले हैं। फैम क्लासिक के गाइस काफी उमदा खिलाड़ी होने वाले, लेकिन टीम डी की तरफ से गाइस यहाँ पे मैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है 1-0 के लिए, टीम डी कमा चुकी है। आइकॉनिक भाई का कहीं ना कहीं खाता नहीं खुला, लेकिन फ्रैंक डबल किल करके 1-0 से गाइस इस मुकाबले में आगे जाएंगे। दूसरा राउंड आ चुके गाइस और दूसरे राउंड में गाइस पहुंचे राउंड में पहुंच चुके हैं। जी आलन भाई तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, पूरी तरीके से यहाँ पे लंका दहन की तैयारी करके आए हैं। जिस तरीके से मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आ रहे हैं काबिले तारीफ, मुकाबला काफी उमदा होने वाला है। जी लवर की तरफ से क्या रणनीति रहने वाली मैं जरूर देखना चाहूंगा। जी बहुत लंबा फ्लैंक होने वाला है, शायद फ्रैंक फ्लैंक करके कमाल कर सकते हैं। जी सामने तरफ एक प्लेयर है बढ़िया शॉट आइकॉनिक भाई को यहाँ पे डाउन ले लेगा, शायद रिवाइवल के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा क्या रिवाइवल यहाँ पे संभव हो पाएगा। मुकाबला काफी उमदा गाइस यहां पे जरूर मेरे को चलता हुआ नजर आ रहा है, शायद यहां पे रिवाइवल जी नहीं, शायद यहां पे रिवाइवल नहीं करवा पाएंगे, काफी दूर होने वाले, लेकिन शायद यहां पे अलन रिवाइवल संभव करवा सकते हैं। जी अलन काफी तेज से मेरे को आगे जाते हुए जरूर नजर आ रहा है, शायद अगर यहां पे रिवाइवल संभव करवा देते तो मुश्किलें दोबारा से फैम क्लस्टर की टीम के पास आने वाले। जी लुक एट द पोजीशन गाइस, यहां पे सभी प्लेयर फैम क्लस्टर के थोड़ा सा सेपरेट होकर मेरे को खेलते हुए नजर आ रहे, रणनीति साफ है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगे बड़ा सवाल जरूर होने वाला है। एक प्लेयर जरूर यहां पे लवर जरूर डाउन हो चुका है टीम डी की तरफ से, 3-4 का मुकाबला मैन टू मैन एडवांटेज फैम क्लस्टर की टीम के पास होने वाली है एंड यहां पे गलतियों से बचना होगा, लेकिन जी ये बेहतरीन शॉट होने वाला है और शायद यहां पे कंफर्म भी कर दिया जाएगा। एंड जी ये तो भाई कमाल के शॉट यहां पे लगाते हुए नजर आ रहे, अलन बहुत उमदा गाइस खिलाड़ी होने वाले। एंड जी फ्रैंक की तरफ से एक और प्लेयर को डाउन ले लिया गया, दोबारा से शुरुआत यहां पे कर दी गई, रिवाइवल के चांसेस बिल्कुल यहां पे हो सकते हैं। पतलू को रिवाइवल यहां पे ऋषभ की तरफ से संभव जरूर करवा दिया जाएगा, लेकिन 3v3 का मुकाबला एंड पूरी तरीके से जोन की पकड़ होने वाली है टीम डी प्लेयर्स के हाथ में, तो यहां पे मुकाबले में कमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा। अच्छी यहां पे आइकॉनिक भाई ऊपर की तरफ स्नाइपर चलाते हुए मेरे को जरूर नजर आ रहे एंड मैच यहां पे गाइस स्टार्ट हो चुका, मैच का एक्शन यहां पे स्टार्ट हो चुका एंड फ्रैंक देखना होगा क्या कमाल करने वाले, 3 के लिए कर चुके एंड शॉर्ट रेंज में जिस तरीके से गाइस ये प्लेयर कमाल करता है काबिले तारीफ। गोब्लिन एंड पतलू का भी गाइस यहां पे कहता जरूर खुला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच गया, लेकिन ये एक बड़ी गलती, शायद यहां पे डाउन लेके जा सकते हैं। जी यहां पे डाउन लेके जाएंगे, जी नहीं यहां पे बिल्कुल बाल-बाल यहां पे फ्रैंक मेरे को बचते हुए नजर आए, लेकिन गोब्लिन की तरफ से यहां पे डाउन ले जाएंगे एंड जी यहां पे शुरुआती पलों में कहीं ना कहीं टीम डी ने पकड़ जरूर बनाई थी, लेकिन अब यहां पे मेरे को कमाल करते हुए नजर आ रहे फैम क्लस्टर के प्लेयर काफी उमदा गाइस खिलाड़ी जरूर होने वाले। 1v3 का गाइस यहां पे मुकाबला चलता हुआ एंड 1v3 के मुकाबले में एक बढ़िया शॉट यहां पे जरूर लगा दिया गया, लेकिन खुद ही बॉल से यहां पे बाहर आ गए, शायद थोड़ा सा ग्लिच के चलते ऐसा हो सकता है, लेकिन देखना होगा जब 1v3 का मुकाबला एंड बाहर की तरफ यहां पे प्लेयर पूरी तरीके से मौत की तरफ बढ़ते हुए मेरे को नजर आ रहे थे। आइकॉनिक काफी उमदा तरीके से यहां पे डाउन लेके जाएंगे फैम क्लस्टर के प्लेयर। पतलू एंड गोब्लिन गाइस दो-दो किल किए, अपनी टीम को यहां पे थोड़ी सी मजबूती दिलाई, कमबैक का संकेत दिया एंड उमदा तरीके से गाइस यहां पे दोनों ही टीमें परफॉर्म मेरे को करते हुए नजर आए। पहला राउंड टीम डी प्लेयर्स यहां पे निकाल के लेके गए, दूसरा राउंड यहां पे फैम क्लस्टर के प्लेयर निकाल के लेके गए एंड इसी के साथ गाइस मैच में बराबरी कर चुके हैं दोनों टीमें। तीसरा राउंड है इसके गाइस एंड तीसरा राउंड में गाइस ऑब्जर्वेटरी में पहुंच चुके हैं। जी मुकाबला काफी उमदा एंड देखना होगा यहां पे किस तरीके से मुकाबला यहां पे करने वाले फैम क्लस्टर के प्लेयर मुकाबले में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन जी अलन का जब मैं शॉट देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई इससे उमदा कोई शॉट यहां पे नहीं हो सकता। एक प्लेयर को डाउन लिखे गए, रिवाइवल के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जी यहां पे देखते देखते दो प्लेयर डाउन हो चुके एंड फ्रैंक अगर गलती से ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो ये बंदा पूरी तरीके से यहां पे डाउन इजिली लेके जा सकता है। एक प्लेयर को रिवाइवल जी गाइस यहां पे संभव जरूर हो चुका, आइकॉनिक शायद यहां पे रिवाइवल संभव हो सकता है, लेकिन देखना होगा क्या रिवाइवल यहां पे संभव हो पाएगा। एंड जी अलन बहुत बड़ी मुसीबत में, लेकिन इसी बीच यहां पे लवर एक प्ले को जरूर यहां पे डाउन लेके जाएंगे, काफी उमदा खिलाड़ी हाई ग्राउंड का एडवांटेज उठाते हुए, लेकिन बच के रहने की जरूरत होने वाली है, पूरे प्लेयर यहां पे होने वाले टीम डी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं जी अलन की तरफ से एक और प्ले को डाउन लेने गए एंड डेजर्ट ईगल से ये प्लेयर इतना कोहरा मचा रहा, अगर गलती से इनके पास कोई दूसरी गन आ जाती है तो ये बंदा भाई पूरी तरीके से यहां पे डाउन इजिली लेके चला जाएगा एंड ये अकेले ऐसे प्लेयर है जो शॉर्ट रेंज में बहुत
उम्दा तरीके से यहाँ खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जी थोड़े से बचेंगे। एंड आइकोनिक की तरफ से भी गाइज एक प्ले को जरूर डाउन लेके गई है आइकोनिक, एंड जी यहाँ पे बिल्कुल एक प्लेयर अकेले मेरे को बचते हुए नजर आ रहे। मैडमैक्स अकेले बच चुके, ज्यादा चांसेस नहीं होने वाले। एंड गाइज 1v4 का मुकाबला, टीम डी दोबारा से इस मैच पे पकड़ बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। देखना होगा, जी नहीं यहाँ पे चल नहीं पाएंगे। अलन की तरफ से गाइज यहाँ पे डबल किल आएगा, आइकोनिक भाई भी गाइज अपना खाता खोलेंगे। एंड इसी के साथ गाइज इस मुकाबले में दोबारा से टीम डी के प्लेयर पकड़ बनाते हुए नजर आएंगे। एक पॉइंट की गाइज यहाँ पे लीड दोबारा से कमा चुके हैं। चौथे राउंड आ चुके गाइस, चौथे राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं गाइस हैंगमैन। मुकाबला काफी उम्दा चलता हुआ, गोब्लिन एंड पल्लू गाइस दो ऐसे प्लेयर होने वाले हैं जिन्होंने अपना खाता खोला, एक राउंड अपनी टीम के खाते में जोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ एंड मैडमैक्स यहाँ पे नहीं चल पाए। बड़ी परेशानी का कारण यहाँ पे जरूर बन सकते हैं, थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत होने वाली है। फ्रैंक के सामने एक प्लेयर जरूर होने वाला है, पीछे से कवर यहाँ पे आइकोनिक का मेरे को आता हुआ जरूर यहाँ पे नजर आएगा। थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत होने वाले, फ्रैंक गाइस काफी उम्दा प्लेयर होने वाले, 27 फ्रैंक अलन एंड जी आइकोनिक काफी उम्दा। जी दैट कॉल, Get called guys, OMG by the Frank, OMG by the Frank, and again, ये प्लेयर अकेला शायद पूरी टीम को लेके जाएगा। फ्रैंक तीन प्लेयर्स को डाउन लेके जा चुका है। क्वाड्रा किल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, मेरे को नजर आएंगे फ्रैंक। क्या क्वाड्रा किल इनके खाते में जाने वाला है? क्या क्वाड्रा किल गाइस इनके खाते में जाने वाला है? जी अकेले प्लेयर मेरे को बचते हुए नजर आएंगे, एक प्लेयर को जरूर डाउन लेके जाएंगे, लेकिन फ्रैंक क्वाड्रा किल बाय द फ्रैंक यहाँ पे एस लगाएंगे पूरी तरीके से इस टीम को। फैन क्लासिक की गाइस टीम को एकदम से यहाँ पे जमीन खींच ली गई पैरों के तले से। भाई किस तरीके से मुकाबला दिखा, और यहाँ पे तो आफत मोल लिए फैम क्लासिक के प्लेयर ने। फ्रैंक अकेला ऐसा प्लेयर क्वाड्रा किल निकाल के लिखेगा, ट्रिपल किल तो पहले किए थे, उसके बाद जिस तरीके से एक और भाई हैडशॉट लगा के क्वाड्रा किल निकाला, काबिले तारीफ। पांचवा राउंड आ चुका है और पांचवे राउंड में गाइस फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं। जी फ्रैंक की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम होने वाली है। एंड भाई ये ऐसा प्लेयर है गाइस, एक बार चला तुक्का, दो बार चला तुक्का, लेकिन हर बार जो चले वो होता है हुक्म का इनका। एंड फ्रैंक भाई चार किल पिछले राउंड में निकाले, हर किल यहाँ पे हेडशॉट के साथ यहाँ पे निकाला। एंड हुक्म का इक्का, जी डेफिनेटली ये प्लेयर होने वाला काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाला। ऋषभ को दोबारा से यहाँ पे डाउन ले लेगा। एंड देखते देखते गाइस यहाँ पे 3v4 का मुकाबला। एंड फ्रैंक की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से गाइस मुकाबला मेरे को करता हुआ नजर आ रहा, भाई फैम क्लैश के प्लेयर्स की एक नहीं चलने दी है, पूरी तरीके से मेरे को कॉन्क्रीट करता हुआ ये प्लेयर नजर आ रहा है। एंड मौके बहुत कम यहाँ पे होने वाले। जी अलन के घेरे में होने वाला एक प्लेयर शायद यहाँ पे इजिली रेडार में जी डाउन लेके जा सकते, थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत होने वाली, लेकिन देखना होगा जहां पे पतलू जी क्या कमाल करने वाले। अपनी टीम को एक पॉइंट की वापसी यहां पे जरूर कराई थी पतलू ने, लेकिन उसके बाद यहां पे चल नहीं पाया। पूरी तरीके से टीम डी के प्लेयर्स यहां पे मेरे को धावा बोलते हुए नजर आए। एंड कहीं ना कहीं इस पूरे मैच पे गाइस हमें टीम डी के प्लेयर चौकड़ी मार चुके हैं, पूरी तरीके से यहां पे सिक्का चलाते हुए नजर आ रहे। कोई भी मौका नहीं होने वाला फैम क्लैश की टीम के पास, क्योंकि यहां पे टीम डी के प्लेयर्स गाइस ईट से ईट बजाते हुए नजर आ रहे। आज लगता है कुछ और ही मूड में होने वाले फ्रैंक अलन आइकोनिक एंड जी 27 लवर आज कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में हैट्रिक लगाएंगे, तीन पॉइंट की एक बड़ी लीड होने वाली है टीम रिप्लेस के खाते में। छठे राउंड आ चुके गाइस, छठे राउंड में गाइस मील पे पहुंच गए हैं। जी ये वो प्लेयर होने वाले हैं फ्रैंक। वाओ व्हाट अ प्ले गाइस, व्हाट अ प्ले, That was the OP shot by the Frank. वो क्वाड्रा किल जो निकाला था उसमें जो शॉट लगाए थे, उन शॉटों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बचते हुए नजर आएंगे, काफी हेल्थ कम जरूर होने वाले, लेकिन थोड़ा सा बच गए हैं। जी ये बढ़िया शॉट यहाँ पे जरूर होने वाला, दो प्लेयर जरूर यहाँ पे डाउन रश करेगी शायद यहाँ पे जी फ्रैंक की तरफ से कंफर्म कर दिया जाएगा। तीन प्लेयर यहाँ पे डाउन रश के अकेले प्लेयर यहाँ पे 27 लवर मेरे को बचते हुए नजर आए, ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। 1v3 का गाइस यहाँ पे मुकाबला होने वाला है, और शायद ऋषभ का भी मेरे को लगता है कि साथ मिलना स्टार्ट हो चुका है। एक प्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं, 27 1v3 का गाइस मुकाबला। एंड 27 क्या यहाँ पे कमाल करने वाले, लेकिन मेरे को लगता है कि फैम क्लस्टर के प्लेयर है जिस तरीके से यहाँ पे वापसी कर रहे हैं वो वापसी करना भी जरूरी है, क्योंकि अभी अगर वापसी नहीं करेंगे ये वो लम्हे होने वाले हैं। अगर अभी वापसी नहीं करते हैं तो शायद बाद में गाइस यहाँ पे खाक छानने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा, तो इससे अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापसी कीजिए। लेकिन देखना होगा गाइस यहाँ पे जी 27 यहाँ पे उल्टे पैर पीछे यहाँ पे जरूर लौट चुके हैं, लेकिन जी यहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश, डबल स्नाइपर मेरे को चलाते हुए जरूर नजर आ रहे, लेकिन थोड़ा सा बच के रहना होगा। 1v3 का क्लच है गाइस, मेरे को लगता है कि फैम क्लच के जो प्लेयर है इजिली यहाँ पे वापसी कर जाएंगे। शायद ये वो लम्हा होने वाला है, शायद यहाँ पे फैम क्लच के प्लेयर वापसी करके बतलाना चाहते कि भाई इतना आसान ये मैच तो नहीं होने वाला है। लेकिन देखना होगा जहाँ पे टीम डी के सभी प्लेयर्स ने, खासकर फ्रैंक की बात करें तो भाई नाक में दम करके यहाँ पे फैम क्लासिक के प्लेयर्स के, जिस तरीके से ऋषभ बोल रहे होंगे कि भाई ये बड़ा बड़ा खतरनाक प्लेयर होने वाला है। जी ये बढ़िया शॉट जरूर होने वाला था, पीछे से जोन का संकेत भी मेरे को आता हुआ जरूर नजर आ रहा है।
लेकिन ज्यादा देर यहाँ पे चल नहीं पाएंगे लवर जी, अंदर की तरफ फिर आएंगे जी, डाउन ले जाने कुछ, लेकिन पतलू की तरफ से जी सुपर राउंड ट्रिपल के लिए बेहतरीन यहाँ पे कमबैक करते हुए पतलू। अब की बात शायद यहाँ पे एरिया तो काफी रगड़ी है लेकिन कमबैक शायद यहाँ पे आ चुका है जिस हिसाब से यहाँ पे मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आया। अब की बार रश किया, रश का फायदा उठाया, पूरी तरीके से मैच में यहाँ पे कमबैक किया एंड इसी के साथ गाइस स्कोर लाइन पे जरूर दो पॉइंट की लीड होने वाली टीम डी प्लेयर्स के बाद, लेकिन कह रहे फैम क्लेसर के प्लेयर्स गाइस यहाँ पे वापस रसल के दे चुके। सातवां राउंड आ चुके गाइस और सातवें राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं गाइस केप टाउन में। मुकाबला काफी उम्दा है जी, दोबारा से यहाँ पे कंधे पे बंदूक रख के भाई दोबारा से आगे मेरे को बढ़ते हुए नजर आ रहे फ्रैंक के। ये भाई प्लेयर बहुत उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाला है एंड जिस तरीके से ये खेलते हैं वो काबिले तारीफ है, जिस तरीके से रश करते हैं काफी उम्दा तरीके से, धमाल कमाल बवाल गाइस प्लेयर होने वाला है, काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाला है। लेकिन देखना होगा यहाँ पे मुकाबला कैसा चलने वाला है, जिस तरीके से चार इन्होंने किल निकाले थे सिर पर भूत सवार था भाई बहुत उम्दा तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत होने वाली है टीम डी प्लेयर्स को, क्योंकि भाई यहां पे वापसी का संकेत देते हुए नजर आए जी, यहां पे पीछे की तरफ एक प्लेयर होने वाला है जी, यहां पे जरूर वोल्ड का इस्तेमाल जरूर किया गया, फ्रैंक शायद यहां पे अकेले होने वाले तो बच के रहने की जरूरत होने वाली है एंड जी शायद यहां पे अलन भी इनके पास होने वाले, लेकिन जी अलन काफी देर से मेरे को आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे, थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत होने वाले, फ्रैंक काफी उम्दा खिलाड़ी होने वाले एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है 4v4 के मुकाबले में ये वो प्लेयर होने वाला है जी, अर्जुन अर्जुन होने वाला भाई बिल्कुल यहां पे एक निशाना लगाता है जी, अलन एक प्लेयर यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे, अंदर की तरफ से एक और प्लेयर होने वाला था उनको भी यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे एंड फ्रैंक की तरफ से जल्दी से शायद यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया जाएगा। देखते देखते दोबारा से यहाँ पे जी लंका दहन जरूर यहाँ पे कर दिया गया, दोबारा से यहाँ पे पलड़ा यहाँ पे भारी होता हुआ टीम डी प्लेयर्स के खाते में जी, लगातार यहाँ पे शोर लगाने की कोशिश, थोड़ा सा बच के लेकिन फ्रैंक जी छोटी सी गलती बहुत भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि गाइस ये वो प्लेयर होने वाले हैं जो कभी भी इस मैच का पासा यहाँ पे पलट सकते हैं, लेकिन सामने की तरफ गाइस जो प्लेयर होने वाले वो भी काफी उम्दा प्लेयर, एक प्लेयर और यहाँ पे डाउन हो जाएगा एंड 1v3 का गाइस अकेले प्लेयर बचते हुए, लेकिन अलन अब की बार फ्रैंक थोड़ा सा नहीं चल पाए, लेकिन अलन ने अब की बार जी कमान संभाली एंड कमान संभाल के यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे भाई मुकाबले में बहुत उम्दा तरीके से यहाँ पे वापसी करते हुए नजर आएंगे टीम डी के प्लेयर्स गाइस। यहाँ पे तीन राउंड के बहुत बड़ी लीड होने वाली है 8-8 के लिए, यहाँ पे फ्रैंक एंड अलन कर चुके एंड लवर काफी अच्छे से इनका साथ देते हुए नजर आ रहे, आइकोनिक भी काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले। दूसरी तरफ गाइस मैडमैक्स का खाता नहीं खुला है, मुसीबतें डेफिनेटली होने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं 3 पॉइंट की लीड होने वाले टीम डी प्लेयर्स के पास। आठवें राउंड आ चुके गाइस और आठवें राउंड में गाइस मास सेलेक्ट में पहुंच गए एंड गाइस देखना होगा यहाँ पे फर्स्ट गोइंग टू हैपन है, जिस तरीके से मुकाबला मेरे को चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे मुक्की खानी पड़ रही है फैम क्लेसर के प्ले को एंड जी यहाँ पे फ्रैंक ये बंदा भाई खुलेआम जाके मेरे को मारता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ी गलती हो सकती थी, बच के रहने की जरूरत होने वाली है। अलन की तरफ से रिवाइवल जरूर यहाँ पे संभव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत होने वाले, काफी बेहतरीन तरीके से रश करने का जो इनका अंदाज है एंड जी ये शॉट जब मैं देखता हूँ तो भाई और कुछ यहाँ पे कहने को रह नहीं जाता, लेकिन अब की बात जी यहाँ पे बराबर के लेकिन देखना होगा हेल्थ बहुत कम होने वाली है, अभी अगर यहाँ पे रश कर देते यहाँ पे लवर कहीं ना कहीं तो मुकाबला जी इनके हक में आ सकते, लेकिन गाइस 2v4 का मुकाबला जी नहीं चल पाएंगे एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं वापसी का संकेत मेरे को देते हुए जरूर नजर आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बरकरार नहीं रख पा रहे हैं फैम क्लेसर के प्लेयर, जिस तरीके से वापसी डेफिनेटली यहाँ पे करते हुए नजर आए जी, अब की बार भी यहाँ पे वापसी करेंगे मैडमैक्स, अब की बार यहाँ पे जी चले तो चले नहीं और चले तो भाई काफी रफ्तार के साथ यहाँ पे चलते हुए नजर आएंगे। मैडमैक्स की बात करें गाइस यहाँ पे मुकाबला काफी उम्दा दिखा, डबल किल किया है इसी के साथ गाइस यहाँ पे मुकाबले में कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे वापसी का संकेत दे चुके हैं, 2 पॉइंट की लीड अभी भी टीम डी प्लेयर्स के खाते में होने वाले, लेकिन मैच में अभी भी बने हुए फैम क्लेसर के प्लेयर्स। बहुत उम्दा खिलाड़ी होने वाले, मैडमैक्स ने पिछले राउंड में जरूर यहाँ पे वापसी का संकेत दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बच के रहने की जरूरत होने वाले, लगातार यहाँ पे फायरिंग करते मेरे को जरूर नजर आ रहे अलन, ये रश जो अलन ने किया है ये बहुत यहाँ पे भारी पड़ सकता है अलन, यहाँ पे देखना होगा जहाँ पे क्या कमाल करने वाले, काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी जरूर होने वाले सामने तरफ एक प्लेयर, लेकिन जी जी अब की बार यहाँ पे फंसा लिया गया, अब की बार यहाँ पे ऋषभ की तरफ से यहाँ पे डाउन ले लिया गया, काफी हालत जरूर यहाँ पे ऋषभ की कम होने वाली, लेकिन अब की बार एक बड़ी मछली का शिकार यहाँ पे जरूर किया गया, लेकिन देखना होगा गाइस क्या इससे अपने बेनिफिट में
ला सकते हैं क्या कमबैक का संकेत यहाँ पे फैम क्लासिक के प्लेयर दोबारा से देने वाले यहाँ पे टीम डी के प्लेयर दोबारा से यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे प्रदर्शन दिखाने वाले आइकोनिक की हेल्थ यहाँ पे थोड़ी सी कम जरूर होने वाले थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत होने वाले एंड ऋषभ जी यहाँ पे आगे जाने कोशिश यहाँ पे जरूर करें जोन के साथ यहाँ पे मिलकर अगर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमाल कर सकते हैं लेकिन फ्रैंक अभी भी ये ऐसा प्लेयर है जो इस मैच का तख्ता कभी भी यहाँ पे पलट के रख सकता है तो बच के रहना होगा जी ये बढ़िया शॉट यहाँ पे जरूर लगा दिया गया थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत होने वाली है लेकिन क्या यहाँ पे बच पाएंगे जी नहीं अब की बार यहाँ पे एक साथ मिलकर यहाँ पे मेरे को खेलते हुए नजर आएंगे देखते ही देखते अब की बार तो लुटिया यहाँ पे डुबा दी गई टीम दिखी पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन जरूर ले लेगा अकेले प्लेयर यहाँ पे बचते हुए शायद यहाँ पे G27 यहाँ पे बचते हुए नजर आएंगे ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे 1v4 का क्लच शायद 1v3 का क्लच भी यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सामने तरफ का जो प्लेयर होने वाले काफी उम्दा एक प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन लेके गए लवर एंड शायद 1v2 का यहाँ पे क्लच यहाँ पे निकाल सकते हैं लेकिन बच के रहना होगा काफी उम्दा तरीके से यहाँ पे दो प्लेयर को यहाँ पे डाउन लेके गए 1v3 का गाइस यहाँ पे लिटरली क्लच होने वाला था लेकिन उसे 1v2 में यहाँ पे कन्वर्ट किया कन्वर्ट करके कमाल जरूर यहाँ पे किया कुछ ना कुछ लेकिन अकेले जो प्लेयर बचे थे लास्ट में गोबले वो डाउन लेके गए एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे बैक टू बैक दो राउंड निकाल के गाइस काफी उम्दा तरीके से फैम क्लास के प्लेयर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 10वां राउंड आ चुके गाइस और 10वें राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं गाइस कटोसियो में एंड आते ही जीए काफी बेहतरीन शॉट यहां पे जरूर लगा दिए गए एक प्लेयर को 170 प्लस का यहां पे डैमेज जरूर दे दिया गया एंड जी आइकॉनिक की तरफ से एक प्लेयर को जरूर गाइस यहां पे डाउन ले लेगा शायद यहां पे रिवाइवल के चांसेस होने वाले हैं जी यहां पे रिवाइवल जरूर यहां पे संभव हो जाएगा एंड गोब्लिन वो प्लेयर होने वाले जिनको यहां पे डाउन ले लिया गया था वेल गाइस मुकाबला काफी उम्दा एक पॉइंट के लिए टीम डी प्लेयर्स के खाते में होने वाली है लेकिन कहने की मैड मैक्स जी एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन लेके गए एंड ऋषभ जी इसी बीच यहां पे डाउन पूरी तरीके से यहाँ पे जी नहीं अब की बार ज्यादा खुले में रह के और कॉन्फिडेंस हो गया यहाँ पे गलती यहाँ पे कर दिया लेकिन जी यहाँ पे ट्यूटी को गाइस यहाँ पे मुकाबला आइकॉनिक बचते हुए नजर आ रहे सामने तरफ अगर गाइस यहाँ पे बात करी थी जी यहाँ पे गोब्लिन जरूर होने वाले काफी हेल्थ यहाँ पे कम होने वाले पतलू इनके साथ में होने वाले क्या यहाँ पे कमाल होने वाला मैं जरूर देखना चाहूंगा एक और प्लेयर को जरूर यहाँ पे डाउन ले लेगा रिवाइवल के चांसेस नहीं होने वाले एंड कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे आइकॉनिक मेरे को लग रहा है कि साथ यहाँ पे मिलकर मेरे को खेलते हुए नजर आए अकेले प्लेयर यहाँ पे पतलू बचते हुए नजर आए गाइस 1v2 का मुकाबला 1v2 के मुकाबले में देखना होगा किस तरीके से वापसी करने वाले अगर वापसी नहीं करते तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे टीम के प्लेयर मैच पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है लेकिन जी बच के रहना होगा मुकाबला गाइस यहां पे काफी मेरे को उम्दा चलता हुआ नजर आ रहा है हाई ग्राउंड का एडवांटेज अगर उठाते हैं तो मुकाबले में अभी भी जान बाकी हो सकती है लेकिन देखना होगा पतलू की तरफ से गाइस यहां पे रणनीतियां क्या रहने वाले हैं पतलू अकेले वो प्लेयर होने वाले जो अपनी टीम की तरफ से गाइस यहां पे हाईएस्ट स्किल कर चुके हैं काफी उम्दा तरीके से यहां पे मेरे को खेलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन देखना होगा गाइस क्या इस राउंड में वापसी करके मैच को बराबरी पर लाने वाले या फिर टीम डी के प्लेयर्स गाइस इस मुकाबले को मैच पॉइंट तक अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले ये जरूर मैं देखना चाहूंगा मुकाबला काफी उम्दा एंड रिस्क नहीं लेना चाहते टीम डी के प्लेयर्स उनको पता है कि भाई ये वो प्लेयर होने वाला है जो कभी भी पास से पलट सकता है तो यहां पे गलती नहीं करना चाहते हैं जी ऊपर की तरफ गाइस एक प्लेयर जरूर होने वाला आइकॉनिक यहां पे बच के रहने की जरूरत होने वाली है क्योंकि आइकॉनिक अगर डाउन हो जाते हैं तो मुश्किल यहां पे टीम डी प्लेयर्स के खाते में चली जाएंगी तो यहां पे बच के रहने की जरूरत होने वाली जी ये 152 का बहुत उम्दा शॉट एंड जी 27 की तरफ से यहां पे ट्रिपल किल की दरकार को पुख्ता करते हुए इस मैच पे दोबारा से गाइस यहां पे पकड़ बनाते हुए मेरे को नजर आएंगे राउंड यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम डी के प्लेयर लेकिन गाइस एनीवे अभी भी फैम क्लस्टर के प्लेयर्स के पास गाइस एक पॉइंट होने वाला है एक पॉइंट का अभी भी मौका होने वाला है वापसी करने का लेकिन क्या वापसी कर पाएंगे एक बड़ा सवाल होने वाला है। 11वें राउंड आ चुके गाइस और 11वें राउंड में गाइस क्लॉक टाइम में पहुंच चुके हैं गाइस अगर बात करें फैम क्लस्टर के प्लेयर की तो भाई जब तक सांस है तब तक आस है भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं लेकिन क्या ये प्लेयर कुछ कमाल कर सकते हैं मैं जरूर देखना चाहूंगा जी अलन एंड फ्रैंक ऊपर की तरफ यहां पे जरूर जाएंगे दो ऐसे प्लेयर जो कभी भी इस मैच का पासा यहां पे पलट सकते हैं काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले हैं जी लवर अगर अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो पूरी तरीके से यहां पे इजीली इस मैच को अपने हक में लेके जा सकते हैं क्योंकि गाइस वो पोजीशन होने वाली है आपको मैच जिता के भी लेके जा सकती है और हरा के भी लेके जा सकते हैं अगर लवर यहां पे चल जाते हैं जो कि मैं बोला अगर लवर यहां पे चल जाते हैं तो मैच आप जीत जाएंगे लवर अगर आप नहीं चलेंगे तो मैच आप जीत नहीं सकते लेकिन लवर यहां पे चल चुके हैं जी यहां पे काफी अच्छे खासे शॉट है नीचे की तरफ एक प्लेयर होने वाला है नीचे की तरफ एक प्लेयर को यहां पे डाउन लेके जाएंगे देखते 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 जी मैच यहां पे पूरी तरीके से छीन लिया गया मेरे को लगता है कि फैम क्लस्टर के जो प्लेयर्स गाइस उनके मुंह तक निवाला जरूर आया लेकिन उसे खा ना पाए अकेले प्लेयर यहां पे गोबली मेरे को बचते हुए नजर आएंगे ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे
एंड जी यहाँ पे फ्रैंक की तरफ से सुपर टेन अपना कंप्लीट कर लिया जाएगा एंड कहीं ना कहीं गाइस इस मुकाबले में 7-4 बहुत उम्दा तरीके से यहाँ पे मेरे को मुकाबला करते हुए जरूर नजर आए फैम क्लस्टर के प्लेयर। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस टीम डी के प्लेयर्स की बात करें तो एक तरफा यहाँ पे मुकाबला मेरे को जरूर लगा, स्टार्टिंग में मेरे को एक तरफा मुकाबला जरूर लगा था लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वापसी का संकेत दिया। लेकिन यहाँ पे टीम डी के प्लेयर्स गाइस फ्रैंक की बात करें अपनी टीम की तरफ से एमवीपी रहे एंड पतलू गाइस यहाँ पे दूसरी टीम की तरफ से फैम क्लस्टर की टीम की तरफ से यहाँ पे एमवीपी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर गाइस।